नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफा परवीन और आप देख रहे बिहार टीवी। राज्यसभा जाने से वंचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की परेशानी कम नहीं हो रही है, जहां एक एक करके उनके समर्थकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय इस्पात मंत्री के पटना स्थित सरकारी आवास को बीती रात जबरन खाली करा दिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री के नज़दीकी सहयोगी ने दी है। आरसीपी के सहयोगी ने बताया कि बीती रात लगभग 12 बजे उनके बंगले को जबरन खाली कराया गया है। बताया गया कि स्टैंड रोड में स्थित मंत्री पुल का यह बंगला जदयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी के नाम से आवंटित था, जिसमें आरसीपी से पिछले कई सालों से रहते आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा सदस्यता पद गंवाने के बाद उनका यह बंगला मुख्य सचिव आमिर सुभानी के नाम पर आवंटित कर दिया गया था। आरसीपीसी के सहयोगी आशीष रंजन ने बताया कि बीती रात लगभग 12 बजे आरसीपीसी के पटना स्थित बंगले को जबरन खाली कराया गया। उन्हें बताया कि जिस नेता ने अपनी जिंदगी लगा दी, आईएएस की नौकरी छोड़ दी, पार्टी को मजबूती प्रदान की, उनके साथ पार्टी ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है, जो कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है। से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।